अब 2019 में ब्लैक फिल्म को करने के बाद जब अभिनेता सनी देओल राजनीति में आए तो राजनीति में आने के बाद सभी लोगों को लग रहा था कि अब वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से संन्यास ले लेंगे, लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं लग रहा है। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि अभिनेता सनी देओल इस समय अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं। सबसे पहले उनकी फिल्म गदर 2 की बात करें तो इस फिल्म की शूटिंग धड़ल्ले से की जा रही है। फिल्म का पहला शेड्यूल खत्म हो चुका है और अगले शेड्यूल के लिए पूरी कास्ट एंड क्रू टीम रवाना भी हो चुकी है। आने वाले समय में गदर 2 से जुड़ी बड़ी अपडेट्स पाने के लिए फैंस भी काफी ज्यादा बेकरार चल रहे हैं। लेकिन इसी बीच में हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि गदर 2 से भी एक बड़ी फिल्म अभिनेता सनी देओल के हाथ लगी है और इस फिल्म की शूटिंग भी वो बहुत जल्द करने वाले हैं। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि बॉलीवुड के दमदार अभिनेताओं में से एक सनी देओल इन दोनों बैक टू बैक फिल्में साइन करते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्मों से राजनीति के कारण उन्होंने ब्रेक लिया था, अब दोबारा से सनी देओल फिल्म इंडस्ट्री में वापसी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। सनी देओल ने बीते दिनों ही डायरेक्टर आर बाल्के के निर्देशन में बनी साइलॉजिकल थ्रिलर चुप की शूटिंग पूरी की है। इस फिल्म में सनी देओल एक्ट्रेस श्रुति हसन और रेवती के संग दिखाई देने वाले हैं। जल्दी अब सनी देओल साउथ की एक बड़ी सुपरहिट जोसेफ फिल्म के हिंदी रीमेक में भी नजर आने वाला है और यही वो फिल्म है जो गदर 2 से भी बड़ी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोसेफ एक मलयालम क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसे साल 2018 में रिलीज किया गया था, लेकिन अब इस फिल्म के हिंदी रीमेक में अभिनेता सनी देओल दिखाई देने वाले हैं। फिल्म में एक रिटायर्ड पुलिस अफसर की भूमिका में सनी देओल नजर आने वाले हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जोसेफ के हिंदी रीमेक में सनी देओल के साथ चित्रांगदा सिंह रोमांस करती हुई नजर आने वाली है। लंबे समय से चित्रांगदा भी किसी फिल्म में नहीं नजर आई है। जोसेफ की रीमेक में वो एक बार फिर से बॉलीवुड में अपना दमदार वापसी करने के लिए तैयार है और बताया जा रहा है कि सनी देओल के अपोजिट चित्रांगदा का भी अहम भूमिका होने वाला है। हालांकि इस फिल्म की शूटिंग भी अभिनेता सनी देओल अगले महीने शुरू करने वाले हैं। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक बताया गया था जोसेफ फिल्म के हिंदी रीमेक में अभिनेता सनी देओल फिल्म की शुरुआत 3 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक शुरू करने वाले हैं और इस दौरान वो जोसेफ फिल्म से जुड़े कई सारे अपने अहम सीन को फिल्माने वाले हैं। बताया तो ये भी गया कि 13 जनवरी के बाद वो अपनी फिल्म गदर 2 को भी टाइम देंगे और 15 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक वो गदर 2 के कई सारे बड़े अहम हिस्सों की शूटिंग में व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन जोसेफ फिल्म की बात करें तो ये काफी मायनों में खास लग रही है। रीमेक में अभिनेता सनी देओल को देखना वाकई दिलचस्प साबित होने वाला है। अब आपने भी अगर सनी देओल की कई सारी फिल्में देखी होंगी तो उनके किरदार को भी आप बखूबी तरीके से पहचानते होंगे। बॉलीवुड की कई सारी ऐसी फिल्में रही हैं जिन फिल्मों में अभिनेता सनी देओल के किरदार को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है। खासकर वर्दी वाला किरदार उनका हमेशा से बड़े पर्दे पर सुपर डुपर हिट रहा है। पुलिस वाले की भूमिका में सनी देओल का कोई भी तोड़ नहीं है और ऐसे में ये क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिस फिल्म में अभिनेता सनी देओल एक पुलिस अफसर की भूमिका में दिखाई देने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है ये फैंस के लिए सबसे बड़ी सौगात है। यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पदम कुमार इस फिल्म को निर्देशित करते हुए दिखाई देने वाले हैं। ओरिजिनल जोसेफ भी उन्होंने ही बनाई थी। तो ऐसे में दोस्तों अगले महीने से अब राजस्थान में फिल्म की शूटिंग अभिनेता सनी देओल करने वाले हैं और राजस्थान के उदयपुर में जोसेफ और गदर 2 के कई सारे बड़े व अहम सीन को वो फिल्माते हुए नजर आने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 2022 में अभिनेता सनी देओल की कई सारी बड़ी फिल्में बड़े पर्दे पर उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है। पहली उनकी फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर चुप की बात करें तो फिलहाल वो इस फिल्म की शूटिंग को पूरा कर चुके हैं और इस फिल्म में वो अमिताभ बच्चन के साथ भी थोड़े बहुत सीन में दिखाई देने वाले हैं। इसके बाद वो गदर 2 को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है और इस फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार भी किया जा रहा है। और इसी के साथ ही मलयालम क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसे साल 2018 में रिलीज किया गया था, अब इस फिल्म के हिंदी रीमेक में अभिनेता सनी देओल नजर आने वाले हैं, वो भी रिटायर्ड पुलिस अफसर की भूमिका में। जाहिर सी बात है 2022 में अभिनेता सनी देओल की कई सारी बड़ी फिल्में बड़े पर्दे पर उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है और उन सभी फिल्मों को देखने के लिए फैंस भी काफी ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं। तो दोस्तों इस बड़ी खबर को लेकर आपने क्या प्रतिक्रिया देनी है कमेंट सेक्शन में आप हमें ये जरूर बताएं कि आप इन सभी फिल्मों का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखना हमें ना भूलें।